Hinduism is not just a religion. It's a way of living. तो आज दीपावली के उपलक्ष्य में हम आपको इस त्योहार से जुड़ी कुछ मजेदार बातें बताने जा रहे हैं इजीली के अंदाज में। अकॉर्डिंग टू द रामायण, लंका नरेश रावण के वध के बाद प्रभु श्री राम सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ जब 14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे तब सभी अयोध्या वासियों ने अनगिनत दीपक जला के उनका स्वागत किया था। अनगिनत दीपक जलाए जाते हैं इस दिन, जिससे एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है जो हमें हल्की ठंड से भी राहत दिलाती है और एक पेस्ट कंट्रोल का भी काम करती है। जी हाँ, ये अंतिम दिन होता है क्रॉप हार्वेस्टिंग का, इसलिए इस दिन अन्न धन की पूजा की जाती है और मार्केट में एक अलग ही रौनक आ जाती है खरीद और फरोख्त से। इतना ही नहीं, जैन धर्म के अनुयायी भी इस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि इस दिन उनके 24वें तीर्थांकर यानी कि महावीर स्वामी जी को निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। वेदों पुराणों में ये कहानी भी है कि ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अलग हो गए। जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए सागर मंथन हो रहा था तब उस सागर मंथन से माता लक्ष्मी भी अवतरित हुई और तब विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का पुनर्मिलन हुआ था, इसलिए भी दिवाली मनाई जाती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, दिवाली का त्योहार 5 दिन मनाया जाता है और इस त्योहार की शुरुआत होती है सबसे पहले दिन के साथ अर्थात धनतेरस। धनतेरस को आप लोग गोल्डन डे के नाम से तो जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है इसके पीछे एक और मान्यता है? वो मान्यता ये है कि जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन चल रहा था तब धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरी अर्थात जिन्हें हम आयुर्वेद के देवता के रूप में पूछते हैं वो प्रकट हुए थे। दीपावली से ठीक एक दिन पहले रूप चतुर्दशी का त्योहार भी मनाया जाता है। इसे छोटी दिवाली, नरक चतुर्दशी और काली चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। एक पौराणिक मान्यता ये भी है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा जी ने नरकासुर का वध करके ऋषियों और देवताओं को उनके आतंक से मुक्त किया था। मैं तो दिवाली पे 6:15 बजे मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए एकदम तैयार हूँ। अरे मुहूर्त ट्रेडिंग आपको नहीं पता तो चलिए मैं बताता हूँ। मुहूर्त ट्रेडिंग एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेडिंग है जो दिवाली पे सिर्फ 1 घंटे के लिए की जाती है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस दिन इन्वेस्टमेंट करना बहुत शुभ होता है। और इस परंपरा की शुरुआत 1957 BSE और 1992 NSE में हुई थी। और एक बात, ये बात जान के आपको बहुत सरप्राइज होगा, दिवाली इज नॉट ओनली द नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया बट इट इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज नेशनल फेस्टिवल इन 10 डिफरेंट कंट्रीज, और वो देश हैं। द्वापर युग में ब्रिजवासियों को भगवान इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने कनिष्ठ उंगली पर गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक उठा के रखा था। लगातार 7 दिन वर्षा करने के बाद इंद्रदेव को महसूस हुआ कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं बल्कि भगवान विष्णु का अवतार है। तब जाके इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर के माफी मांगी और उन्हें अन्नकूट का भोग लगाया। तब से दिवाली के दूसरे दिन हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं, साथ ही साथ गाय के बछड़े की भी पूजा करते हैं। दिवाली से 2 दिन बाद हम मनाते हैं भाई बहन के प्यार, भाई दूज के नाम से। क्या आपको पता है भाई दूज क्यों मनाते हैं? कहा जाता है यमुना और यमराज भाई बहन। यमुना जी हमेशा अपने भैया यमराज को खाने पर बुलाते थे, पर यमराज जी बिजी होने के कारण उनके यहाँ खाने पर नहीं जा पाते थे। लेकिन दिवाली के 2 दिन बाद यमुना के बहुत आग्रह करने पर यमराज जी यमुना के घर भोजन पर आए। यमुना माँ ने उनका बहुत स्वागत किया, बहुत अच्छे से भोजन कराया, फिर टीका लगाया और उस दिन से भाई बहन के इस त्योहार को भाई दूज के नाम पर मनाया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जो बहन अपने भाई को इस दिन भोजन कराएगी, टीका लगाएगी, उनकी बहुत लंबी उम्र होगी। इसी फैमिली की तरफ से आप सभी को हैप्पी एंड सेफ दिवाली।